हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं शशि, स्वागत है आपका शशि की रसोई में। देखिए दोस्तों, आज मैं बना के लाई हूँ आपके लिए गर्मा गर्म अंडा चिंगेजी। ये बहुत तरीके से बनता है, पर ये मैंने अलग तरीके से बना रखा। आप जरूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, बनाइएगा, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी हमारी बनी हुई है। इसे आप एक बार बनाओगे तो बार बार मन करेगा आपका इसे बनाने का। इसमें मैंने काजू से ड्राई फ्रूट भी पीस के डाला है, मतलब काजू डाला है इसमें ड्राई फ्रूट के नाम से। आपके पास है तो डालिए, वरना कोई जरूरी नहीं। बाकी पूरा वीडियो देखिएगा, मैंने ये अंडा चिंगेजी कैसे बनाया है, और बहुत ही लाजवाब बहुत ही स्वाद वाला बना हुआ है ये। एक बार बनाओगे तो बार बार का आपका बार बार बनाने का मन करेगा। और दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइबर करिएगा, और आइए बताती हूँ मैं इसको बनाने की विधि। इसमें मैंने क्या क्या मसाले डाले हैं, कैसे करके बनाया है देखिए। एग चिंगेजी है ना, अंडा चिंगेजी बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए ये 7 से 8 अंडे बॉयल किए हुए, ये टमाटर प्यूरी है, और ये प्याज रखे हैं पतले स्लाइस में काट के, और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, और ये 4 से 6 काजू है। आइए बताती हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है। ये हमने कढ़ाई गर्म कर दी है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे तेल। ये मैं सरसों तेल में बना रही हूँ, इसे अच्छे से पकाना है। पहले तेल को अच्छे से गर्म होने देना है, मतलब, और जब तक तेल गर्म हो रहा तब तक हम फोक की सहायता से अंडों में ऐसे छेद कर देंगे, नहीं तो अंडे फटने का डर रहता है। क्योंकि सबसे पहले हम ये अंडे ही तलेंगे, और सब में ऐसे करके हम छेद करके रख देंगे, होल बना देंगे। मतलब तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें एक एक करके ऐड डाल देंगे। और इनको तल लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए ये एग हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और हम इनको निकाल देंगे एक एक करके। देखिए अच्छे से, देखिए। और अब हम इसमें इसी तेल में हम ये जो प्याज मैंने काट के रखी हुई है बारीक करके, तो इस प्याज को हम तल देंगे थोड़ा हाथ से मैश करके, और अब इसे हम यहाँ तल देंगे। देखिए प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए, इसमें ये हल्के ब्राउन कलर आ गया है। और इसमें हम ये काजू डाल देंगे, इसको भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे। और अब हम इनको निकाल देंगे, और इसका ठंडा होने पे थोड़ा सा हम पेस्ट बना लेंगे। इसको अच्छे से छान लें ताकि इसका तेल अच्छे से निकल आए। और इस प्याज का भी हम पेस्ट बना लेंगे, एक काजू प्याज का। देखिए इसी तेल में मैं तेल ही कम करके इसी में मैं ये डालूंगी, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च के टुकड़े, और इसमें डालेंगे हम ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। और जब तक ये भुनता तब तक मैं मसाले इसमें तैयार करती हूँ। ये भुन चुका है, तो अब इसमें डालेंगे हम ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी पीसी हुई है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून ये कलर मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच ये भुना हुआ जीरा पाउडर। तो हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ा ये टमाटर की प्यूरी, कम ही डालेंगे क्योंकि मैं इसमें अभी दही भी डालूंगी। देखिए मसाला ये हमारा पक चुका है, अच्छी तरह से ग्रेवी बन चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी ये फेंटी हुई दही, ये मैंने फेंट के रखी हुई थी। इसको भी हम कम आंच में पकाएंगे,
मीडियम आंच पे। दही हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं थी, फ्रेश दही थी इसलिए मैंने डाला। देखिए दही भी पक गई। अब डाल दूंगी मैं ये बादाम वाला पेस्ट, टमाटर और सॉरी प्याज और जो बादाम का पेस्ट बनाया था, ताकि ये हम डाल देंगे। ग्रेवी बन गई अच्छी सी, गाढ़ी सी बन रही है। आपके पास बादाम ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं बादाम को। अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट पकने देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए और ये ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। और देखिए बढ़िया सुंदर सा कलर भी इसका आ रखा और बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। और अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, अब मैं इसमें डालूंगी नमक। अब डालिए आप स्वाद के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार नमक, और अच्छे से मिला लीजिए। देखिए हमारा ये ऑयल ऊपर आ गया है और हमारी ग्रेवी बिल्कुल पक चुकी है। और अभी इसमें मैं डालूंगी ये थोड़ा सा मक्खन एक टुकड़ी, और से अच्छे से स्वाद के लिए अंडा चिंगेजी बन रहा है। और अब डालूंगी मैं इसमें सारे अंडे ऐड कर दूंगी। तो दोस्तों ये बनके हमारा रेडी हो गया बिल्कुल, एग चिंगेजी यानी अंडा चिंगेजी। आप किसी भी फंक्शन पे, बच्चों के बर्थडे पार्टी, किसी पार्टी में भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं, और अपने रोटियों के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें ये धनिया बारीक कटा हुआ। दोस्तों आप ये रेसिपी जरूर बनाइएगा, लाइक सब्सक्राइबर करिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।